वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। और गाइस ये हमारी लद्दाख ट्रिप का सबसे पहला वीडियो है जो कि हम लोग जा रहे हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए गाइस, क्योंकि कोविड टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लद्दाख वाले प्रिंस जी को मार भगाएंगे। और प्रिंस जी देखो कितना सर धक के टेस्ट कराने जा रही है, देखिए गाइस। और आपको नहीं भगाएंगे क्या? मतलब हम नौरों को भगा देंगे। तो गाइस देखिए कितना सर धक के प्रिंस जी जा रही है टेस्ट कराने के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं कोविड टेस्ट के साथ। उनका कितने दिन पहले हुआ था? तो वो ही पकड़ लेगा, वो पता चला है कुछ नहीं आ गया पॉजिटिव। सही बात है, होता ही है। अब जो जैसे सिम्प्टोमेटिक नहीं है, हाँ जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं है, अभी आप ही देख रहे होंगे। पहले किसका? प्रिंस का। दर्द दर्द तो नहीं होता इसमें? दर्द पूरा मुंह में, जीभ बाहर निकल। क्या हुआ? हो गया बस। ये गाइस सैंपल तैयार है हमारा। ये बैठ गई है प्रिंसी जी सैंपल लेने के लिए। हमारे कोविड टेस्ट हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और प्रिंसी बिल्कुल तैयार इसलिए गाइस क्योंकि आज भाई दोज है, इसलिए ये तैयार है। और क्यों तैयार हो प्रिंसी बताओ? क्योंकि आज भाई दोज है। और इतना बड़ा चश्मा लगा है, देख रहे हो आप? गाइस स्टार्ट करते हैं। तो शुरू हो गया प्रिंसी का भाई दोज का कार्यक्रम और ये प्रिंसी हर्षू को टीका लगा रही है। भाई इस जैसा सीधा आदमी मैंने देखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और प्रिंस जैसी टेढ़ी औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। हमसे तो हर कोई सब बोल चुकी है, और जो भी बोली तुम्हारी बहुत कम उम्र लगती है, जो भी बोलो वही है। शादी के पहले हम तो दस बजे जा रहे थे। ओवर एक्टिंग अनबॉक्स करके दिखाएगी इसमें क्या है। दिखा तो गाइज ये मेरा गिफ्ट है और खोल रहे हैं ये भाई साहब, देखते हैं क्या है इसमें, दिखाओ। गाइज ये रात्रि का समय है और हम लोगों की चल रही है। तो गाइज इस सूटकेस के दो हिस्से हैं, जिसमें से ये वाला हिस्सा मेरा है और ये वाला हिस्सा इसका है। तो गाइज ये देखिए, ये मेरे गर्म कपड़े ये मैंने इसमें जमा लिए हैं, ये खाली है। अभी इसमें चार गुने ज्यादा कपड़े आएंगे, वो हैं प्रिंसी के गाइज। और ये हम लोग पैकिंग कर रहे हैं इसी अकॉर्डिंग, और ये बातें कर रही है, इसको बात करने से फुर्सत नहीं है बिल्कुल गाइज। और गाइज ये पूरा रूम इस तरीके से फैला हुआ है, कपड़े इधर उधर हैं और हम लोग जमा रहे हैं पूरे कपड़े गाइज। देखते हैं कितनी देर में जमते हैं। और
आपको एक चीज बता दें गाइस, जो बीन बैग है आज की डेट में बीन बैग अब इस टेबल पे रखा हुआ है, देखिए आप कितनी, और बुक्स वही है सारी। सो गाइस आप देख सकते हो ये जो सड़ा सा चेहरा दिख रहा है तुमको, तुमको गाइस को, सब्सक्राइबर्स आप हैं गाइस। ये अपना जूता पता नहीं कितने साल पुराना, ऐसा लग रहा पुराने जन्म का जूता है। ये मेरा जो शूज है ये मुझे मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड उसने गिफ्ट किया था। एक तो गर्लफ्रेंड नहीं थी, गिफ्ट दस थी। और गाइस ये कॉलेज टाइम की मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था। और मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, बट लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। शो मी योर फेस, दिस फेस डजंट हैव अ गर्लफ्रेंड। सो गाइस आपको एक चीज बताऊं, मतलब मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली, अपने जूते भी साफ कर लिए, लेकिन ये अभी तक बातें कर रही है और इसकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये जिस शख्स से बातें कर रही है देखो, आप गाइस ये देखिए, ये व्हाट्सएप पे किसी और से बातें कर रही है और फोन पे निसी से बातें कर रही है। निसी को ये समझती है बिल्कुल वेल्ला, उसको फोन लगा लेती है, व्हाट्सएप चलाती रहती है, इंस्टा चलाती रहती है, यूट्यूब चलाती रहती है, और निसी भी अपनी उस साइड से लगी रहती है बताने में। और इस समय ये निसी की आप हंसी सुन रहे होंगे, बबुले जैसी फूटती हो। सुन लिया गाइस, लगभग पैकिंग हो चुकी है बट कुछ पैकिंग रह गई है। ये देखिए गाइस जो मैंने आपको दिखाए थे ये दो, ठीक है, ये देखिए ये भर चुका है इसका, मेरा पैक हो चुका है, चल रही है ऐसे ही पैकिंग गाइस। तो फिर लो ये सफर शुरू हो गया, अब देखते हैं सफर में क्या होगा। गाइस देखिए प्रिंसी जो मास्क लगाए हुए, जो ये मेरी टी शर्ट है ना, इसी का मैंने फाड़ के ये वाला मास्क बनाया है। और ये प्रिंसी की मैं मजे ले रहा हूँ बहुत तेज वाले। गाइस हम लोग आ चुके हैं खजुराहो के रेलवे स्टेशन में और ये हैं मिस्टर प्रिंस जो कि अपना सामान लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, और एक ट्रेजेडी हो गई हम लोग संग, That we will tell you later. जी गाइस हम लोग बताएंगे आप लोगों को क्या ट्रेजेडी हुई, बहुत खतरनाक हुई, मतलब आप सोच नहीं सकते। इस ब्लॉग के एंड तक मैं आपको बताऊंगा रात की है। सो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं खजुराहो, जो कि खजुराहो में भी अब रेलवे स्टेशन हो गया है, और ये देखिए बीच में आ रही है। तो गाइस आज का यही रहेगा ब्लॉग, और ये गाइस देखिए फोन पे फोन आए जा। चेन वाली होगी नहीं उनके पास, ठंडी लेना जो भी लेना। गाइस ये अगुआ अगुआ खरीदने गई है, अगुआ अगुआ मतलब होता है कोका कोला, और ये टिक्कू ने हमको सिखाया है अगुआ अगुआ। जी हाँ गाइस ये देखो, जाई ले लो प्रिंसी, तो वहाँ जा, आ जा वहाँ जा, नहीं हम तो कोक पीएंगे, कोक ले लो, तो बोल दो कोक भैया, दो कोक दे दो। कोक ले रही है, लो लो गाइस देखो ये मेरा पर्स सही ले रही है सब कुछ, थम्स अप दे दो। हर घूट में का है गाइस, हर घूट में स्वैग है, कितना मजा आ रहा है इसको। ये देखिए ये पैसे इसको पापा ने दिए, तुरंत इसने अपने कलेक्शन में रखे, इसे कोई मतलब कुछ नहीं गाइस, ये पता पूरे हमसे खर्च करवाती है, खुद को जो मिलते है वो ऐसे देखो ये जोड़ जोड़ के ऐसे रखते जाती है गाइस, देख रहे हो कितनी मोटी गड्डी हो चुकी है, और हम यहाँ भिखारी, हमारे पर्स में अभी 500 का नोट नहीं मिलेगा आपको। देखो पूरा सामान यहाँ फैला के रख दिया है, देखो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हम लोग जाएंगे सीधे अपने होटल, और फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं गाइस। और ये सुबह सुबह का व्यू है, thank you.
पॉलीटन ये वाला, ये वाला है। हाँ फाइनली वी रीच्ड होटल, और बस होटल में वही होटल की जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी करने के लिए आगे बढ़े हम। सो गाइज ये है हमारे नाश्ते में, यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए। ब्रेकफास्ट खा के ख़त्म किया है और ये स्नैप बना रही है लोगों को दिखाने के लिए और हंस रही है, देखो देखो बहुत अच्छा एम्बियंस है गाइस यहाँ का, बहुत बढ़िया। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने कक्ष में, कक्ष बोलते ना हिंदी में प्रिंसी, क्या बोलते तुम तो कभू शीशा के सामने से हटोगे, दिन भर शीशा ही में लगी रहे हो, है ना, दिन भर शीशा ही चाहने गाइस। गाइस इस लड़की को, इसको दिन भर शीशा चाहिए। और गाइज ये हमारा रूम है, छोटा सा प्यारा सा, और रूम में जो सबसे अच्छा जो लगा है वो ये है, ये देखिए आप, मतलब ये रूम के यहाँ से एकदम पूरा शहर जो दिख रहा है। कौन सा 13th अंग्रेजी बोलने के चक्कर में, कौन से फ्लोर, कौन से वी आर इन 13th फ्लोर गाइज। और यही था आज का हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्लॉग, और कल हम लोग आपको ले चलेंगे एक दूसरे नए ब्लॉग में। गाइस टू बी कंटिन्यू।